हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वे टू जारफ विद आकांक्षा सिंह। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आई एम आकांक्षा सिंह। आई हैड कम्प्लीटेड माई BSc फ्रॉम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, एंड माई MSc इज़ फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, एंड आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंत राव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, एंड आई हैड क्वालिफाइड नेट एंड सेट बोथ। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जो 10th ऑफ जुलाई को PM मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले हैं एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन MP। टुडे मीन्स 10th ऑफ जुलाई PM मोदी इज गोइंग टू इनॉग्रेट एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन MP, और इस पावर प्लांट का नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। इस जो सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं मोदी जी, उसका नाम है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट विच प्रोड्यूस 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्लांट है जो 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इट स्प्रेड ओवर 1500 हेक्टेयर अनफर्टाइल लैंड। ये 1500 हेक्टेयर जो बंजर और अनउपजाऊ ज़मीन है उस पे बना है। 1500 हेक्टेयर इज़ अबाउट 6.5 किलोमीटर। तो जो रीवा एमपी में है वहाँ पे जो ये 1500 हेक्टेयर अनफर्टाइल और बंजर और अनउपजाऊ ज़मीन थी, तो उस पे ये सोलर प्लांट लगाया गया है। द प्रोजेक्ट कम्प्लीटेड इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 2.5 ईयर। जो प्रोजेक्ट है स्टार्टिंग से, जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट्स के बाद कंप्लीशन तक का टाइम, इसने 2.5 ईयर में प्रोजेक्ट पूरा बन के तैयार हो गया है। द प्रोजेक्ट कंप्राइज 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट। जो ये पूरा सोलर प्लांट लगा है इसमें 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट हैं, और एक यूनिट 250 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और टोटल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा 750 मेगावाट। इस सोलर प्लांट की वजह से जो 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इसके सेटअप होने के साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है कि इट विल रिड्यूस एमिशन इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर। इस सोलर प्लांट के इस्टेब्लिश होने से या इसके स्टार्ट जनरेशन, इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टार्ट करने के साथ साथ ये पर ईयर एवरी ईयर जो कार्बन एमिशन होता था, जो कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में इमिट हो रहा था, वो 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रिड्यूस करेगा। 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का एमिशन रिड्यूस होगा इस सोलर प्लांट के सेटअप होने से, इस सोलर प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। और जो ये 750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसकी 24% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी दिल्ली मेट्रो को, 24% इलेक्ट्रिसिटी टू दिल्ली मेट्रो, एंड लेफ्ट सॉरी यहाँ पे 76% होगा। द लेफ्ट 76% इज़ फॉर द स्टेट, मीन्स MP में सेटअप है, तो जो 76% ये इलेक्ट्रिसिटी बचेगी ये MP में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सोलर एनर्जी इज़ अ रिन्यूएबल फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज सस्टेनेबल एंड टोटली इनएग्जिस्टेबल। तो सोलर एनर्जी है ये रिन्यूएबल है, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनएग्जॉस्टेबल है, सस्टेनेबल है, मीन्स जो सोलर एनर्जी है हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है और लॉन्ग टाइम के लिए हमारे एनवायरनमेंट में सस्टेन करने वाली है, और इनएग्जॉस्टेबल है, ख़त्म नहीं होगी जल्दी, ख़त्म होने वाली भी नहीं है, और इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो इसका इनॉग्रेशन PM मोदी जी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं 10th of July 2020। ये जो सोलर प्लांट है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, ये सेटअप है MP के रीवा में। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।